क्या खबरों की भेड़ चाल के बीच जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है वो भी कम हो गया है? ताज़ा खबर कुछ इसी बात को दर्शा रही है। ताज़ा खबर रिपब्लिक भारत की है, जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खरगोन के एक जमाती की मौत हो गई और उसने मध्य प्रदेश में कोरोना को फैला दिया। लेकिन यह जमाती नूर मोहम्मद इंदौर के अस्पताल में इलाज पा रहा है और उसने अपना बाकायदा एक वीडियो जारी कर इस खबर का खंडन भी किया है। हम कतई जमातियों के पक्षधर नहीं है, उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या फेक न्यूज़ पर रोक नहीं लगना चाहिए? लोग जो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, इनका संबंध तबलीगी जमात से है, मरकज से है, और किस तरह से हर जगह इस वक्त कोरोना फैल रहा है, कैसे जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसी के बाद आप लोग संक्रमित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से तस्वीर आई है सामने, जहां 8 केसेस जब इनके टेस्ट हुए तो ये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं ये सभी 8 लोग। देखिए, हर दिन जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, वो सवाल भी खड़े करता है कि तबलीगी जमात ने कैसे अलग अलग जगहों पर जाकर देश भर के लोगों से वो उनके कॉन्टैक्ट में आए और उसके बाद अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सत्य विजय हमारे साथ ही ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्य विजय, बताइए, 8 लोग जिनका संबंध बताया जा रहा है तबलीगी जमात से, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कहां कहां गए थे ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए, खरगोन में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक ही परिवार के 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है और इसके पीछे वो शख्स है जो कि तबलीगी जमात से दिल्ली के मरकज से होकर आया था। नूर मोहम्मद नाम का शख्स है जो कि विदेश से पहले दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में उसने मरकज में हिस्सा लिया और इसके बाद वो खरगोन आ गया, लेकिन खरगोन में उसने किसी भी शख्स को, प्रशासन को, कलेक्टर को ये जानकारी नहीं दी कि उसमें कोरोना के लक्षण है। इसके चलते नूर मोहम्मद की तो 28 तारीख को मौत हो गई थी, लेकिन जो संक्रमण है वो उसके परिवार में ही फैलता गया और 8 लोग और पॉजिटिव अब तक नूर मोहम्मद के परिवार के आए हैं और ये पूरे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का संक्रमण है ये मरकज से ही फैला है, क्योंकि नूर मोहम्मद की मौत हो चुकी है, उसकी माँ की मौत हो चुकी है, खरगोन में टोटल 2 मौतें हैं और 8 लोग अब इसी के परिवार के जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो जड़ है इस पूरे कोरोना संक्रमण की जो मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है उसके पीछे जमात का ही हाथ है, क्योंकि अगर नूर मोहम्मद समय पे बता देता तो शायद उसे आइसोलेशन में रखा जाता। जिला कलेक्टर के अल्लाह वरकातु, नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ। मैं खरगोन इस वक्त इंदौर के MRTB हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ और मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है, स्टाफ वगैरह सब यहाँ खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है। 24 तारीख को मैंने खरगोन में पुलिस में और हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन दे दी थी। 31 तारीख को मेरा टेस्ट गया जो 4 तारीख को पॉजिटिव आया और मुझे इंदौर रेफ़र कर दिया गया। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है कि कुछ लोगों ने जो है मुझे चैनल के अंदर मृत घोषित कर दिया है, हालांकि मैं जो है वो जीवित हूँ और बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है और मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी।